नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल इस रिचस्मी। आज की शोध में यहाँ पे बात करेंगे यस बैंक क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा विदाउट इनकम प्रूफ। विदाउट इनकम प्रूफ आपको मिलेगा 100%, कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको इस शोध में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो से नहीं देते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए, यस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो दिए हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और पहले भी ये प्रोसेस था लेकिन कुछ चेंजेस हुआ है, तो अब आपको यहाँ पे पूरा लाइव करके दिखाऊंगा कैसे आपको मिल सकता है, क्या प्रोसेस है, क्या है टर्म एंड कंडीशन है, सब कुछ यहाँ पे आपको बताऊंगा, लाइव करके यहाँ पे दिखाऊंगा। अगर आपको कार्ड अप्लाई करना रहेगा यस बैंक का तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी वीडियो आपको मिल जाएंगे आई बटन में, वहां से देख सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ चाहिए, रिवॉर्ड्स पॉइंट वगैरह, कार्ड अपग्रेड, इस सबके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो दी है। यस बैंक के बहुत से ऐसे क्रेडिट कार्ड जो लाइफ टाइम फ्री रहते हैं और जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना चार्जेस है। आपके ऑफर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है, आपको वो कार्ड शो हो जाएगा, जैसे आपका सिविल रहेगा, जैसे यहाँ पे लिमिट दिया जाएगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑफर शो हो जाएगा। वीडियो केवाईसी वगैरह सबका वीडियो आपको मिल जाएगा आई बटन में। चलिए हम यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाते हैं कैसे आप यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ ले सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर अप्लाई करना रहेगा तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे यस बैंक के वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप जा सकते हैं। आते ही यहाँ पे देखिए, चार स्टेप में आप यहाँ पे कर सकते हैं, फोर स्टेप में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबिलिटी अपना चेक कर सकते हैं, कार्ड अप्रूवल हो जाएगा आसानी से। फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन पूछा जाएगा कि क्या आप यस बैंक के कस्टमर है या नहीं है, तो आपको यस या नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पिन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करिए, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो नंबर आप यहाँ पे एंटर किए हैं उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, थोड़ा लोडिंग लेगा, फिर ले जाएगा आपको नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे ले जाने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको एंटर करना है, आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करिए। फिर आपका यहाँ पे जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर है आधार कार्ड से, उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, इस चेक बॉक्स पे आपको चेक करके यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देना। सबमिट करते ही ओटीपी जाएगा, जो कि यहाँ पे आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। आपका जो भी यहाँ पे डिटेल्स रहेगा आधार कार्ड से रिलेटेड, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी एंटर करते हैं। तो अगर ओटीपी नहीं जा रहा है तो रिसेंट ओटीपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम सेवन कंटिन्यू करते हैं ओटीपी एंटर करने के बाद। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, डिटेल्स जो भी आधार डिटेल्स है सब आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा और आपका जो एड्रेस रहेगा आधार कार्ड पे वो भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप करंट में उस जगह रह रहे हैं, जो आप एड्रेस है आधार कार्ड पर उधर रह रहे हैं कि नहीं रहे, तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए, ठीक है। यस करेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, केवाईसी वगैरह का ज़्यादा झंझट मारी नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा रेसिडेंट टाइप, आप कितने सालों से उस एड्रेस पर रह रहे हैं वो एंटर करना है। उसके बाद वहाँ पे आप कितना मतलब आपका रेंटेड है कि ओनर है वो भी आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा आप सैलराइड है, सेल्फ एम्प्लॉई है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो भी है वो सेलेक्ट करने के बाद आपके कंपनी का या ऑफिस का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको एड्रेस वगैरह पूरा डिटेल यहाँ पे दे देना है, जो भी आपके ऑफिस का एड्रेस है वो दे देना है। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको कार्ड कहाँ चाहिए, ऑफिस चाहिए, आप घर के एड्रेस पर चाहिए, वो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मेन ऑप्शन बचता है ए, सब कुछ आपका यहाँ पे जो पर्सनल था दे दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे आप किस टाइप से अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे पूछा जा रहा है नो इनकम डॉक्यूमेंट्स, कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है इसमें, कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट्स देना ही नहीं है, ना अपलोड करना है, कुछ नहीं करना है, आसानी से मिल सकता है, लेकिन इसके लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इसके लिए कुछ है टर्म एंड कंडीशन है जिससे आपको विदाउट इनकम प्रूफ मिलेगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरा, यहाँ पे स्लिप दिया गया है, आपकी सैलरी अगर आप आती होगी, सैलरी स्लिप होगी तो उससे आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बचता है ITR, ITR अगर आपके पास रहेगा तो उससे भी ले सकते हैं। लेकिन नो इनकम प्रूफ मिलेगा कैसे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, इतना प्रोसेस, तीन प्रोसेस था, तीनों में से आपके पास यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे नो इनकम प्रूफ के लिए ही है, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिए, नो इनकम प्रूफ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे रिजेक्ट, मतलब यहाँ पे अनेबल टू प्रोसेस कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, अनेबल टू प्रोसेस कर रहा है। लेकिन मैं अगर पे स्लिप पे क्लिक करके करूँगा तो आगे प्रोसेस हो जाएगा, इसका मतलब है नहीं रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। देखिए, अभी मैं ITR का भी अगर क्लिक करके करूँगा तो भी यहाँ पे
आगे प्रोसेस होगा। पे स्लिप में यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा, नेट मंथली इनकम, बैंक, किस बैंक में आपका यहाँ पे क्रेडिट होता है, अकाउंट नंबर, सब यहाँ पे एंटर करना, ठीक है। अगर मैं ITR देता हूँ, ITR सेलेक्ट करता हूँ, तो ITR यहाँ पे पूछा जाएगा कितना आपका टर्नओवर है, ये सब यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एनुअल इनकम यहाँ पे पूछा जाएगा, 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। लेकिन नो इनकम प्रूफ मिलेगा कैसे, इसके लिए मैं आपको बता दूँ, बहुत ईजी है। नो इनकम प्रूफ के लिए कुछ करना नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना है, कोई भी यहाँ पे कुछ देना नहीं है। नो इनकम प्रूफ में एक रूल है, एक टर्म एंड कंडीशन है, वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक लोन है, आप कोई लोन लिए हो, उसको यहाँ पे टाइम टू टाइम पेमेंट किए हो और वो करीब यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा हो गया हो, लोन का यहाँ पे ज़्यादा लेता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ले लिया जाता है कभी काल। यहाँ पे मैंने एक बार अप्लाई किया था तो हुआ था, लेकिन बहुत कम ही यहाँ पे चांसेस में वो एक्सेप्ट करता है लोन का। तो क्या हुआ, टाइम टू टाइम पेमेंट हुआ हो और वो क्लोज हुए यहाँ पे कम से कम 6 महीना हुआ हो, ठीक है, क्लोज हुए 6 महीना हुआ हो, टाइम टू टाइम पेमेंट होने के बाद, क्लोज होने के बाद यहाँ पे 6 महीना हुआ हो, सिविल आपका 750 प्लस होना चाहिए और लोन अगर है तो क्लोज हुए 6 महीना हो चुका हो, तब आपको मिलने का चांसेस है नो इनकम प्रूफ। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको कुछ देना नहीं है, डायरेक्टली आपके सिविल रिपोर्ट से यहाँ पे वो कर लेगा, एक्सेस कर लेता है, डेटा यहाँ पे मिल जाता है। अब अगर दूसरा ऑप्शन कैसा है, मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 6 महीना तो यहाँ पे होना चाहिए, 6 महीना पुराना होना चाहिए, कोई भी लेट पेमेंट नहीं, कोई भी ओवर ड्यू नहीं और टाइम टू टाइम पेमेंट होना चाहिए, प्लस यहाँ पे 750 सिविल आपका रहना चाहिए, 750 यहाँ पे सिविल स्कोर रहना चाहिए। इसमें 6 महीना नहीं हुआ रहेगा तब आपका आगे प्रोसेस नहीं होगा नो इनकम प्रूफ में। कभी कभी ये भी होता है, बहुत से लोगों का ये होता है, 6 महीना हो जाने के बाद भी यहाँ पे जल्दी यहाँ पे मतलब क्या होता है कि एक्सेप्ट नहीं करता है, ये प्रोसेस में आगे नहीं हो पाता है। एक दो क्रेडिट कार्ड रहेगा तो हो जाता है, लेकिन किसी किसी का कभी कभी नहीं होता, लेकिन होता है ऐसे, ठीक है। अगर आपका 6 महीना से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा ना, तब आपका आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। कम से कम यहाँ पे जो आपका क्रेडिट यहाँ पे है, लिमिट है, जो ओल्ड कार्ड का आप यहाँ पे जिस कार्ड के बेस में यहाँ पे लेना चाहते हैं, उसका यहाँ पे लिमिट कम से कम 40,000 रहना चाहिए। जैसे कि आपके पास यहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड है, 40,000 है, उसकी लिमिट यहाँ पे 40,000 है, मिनिमम 40,000 रहनी चाहिए और 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो आप आसानी से इस ऑप्शन से ले सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास नो इनकम प्रूफ में, एक तो लोन कोई हो जो 6 महीना यहाँ पे क्लोज हो चुका हो, 6 महीने यहाँ पे हो चुका हो, क्लोज हुए, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है जो कि यहाँ पे 6 महीना पुराना हो, मिनिमम 40,000 की लिमिट हो, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था जो SBI क्रेडिट कार्ड के बेस में, ठीक है, इसका वीडियो आपको मिलेगा आई बटन में देख लेना, 40,000 का यहाँ पे लिमिट था जिसमें SBI का ऑक्टन क्रेडिट कार्ड था, 6 महीना हुआ था और आसानी से अप्रूव हुआ, मतलब कि बस आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना है और डायरेक्टली ले जाएगा, वीडियो KYC का ऑप्शन दिया जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे, उसमें कुछ भी आपको इनकम प्रूफ अपलोड नहीं करना है, वीडियो KYC पे बात करना है, बस हो गया, कुछ यहाँ पे कॉल वेरिफिकेशन होना रहेगा, होगा नहीं तो वो भी नहीं होगा, बस हो गया। ये सब का यहाँ पे मैं वीडियो दे दूंगा, आप देख लेना, ऐसा होता है। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन था ये मैं आपको बताया, क्योंकि कुछ लोगों का इशू आता है कि जिनका यहाँ पे 6 महीना यहाँ पे, जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम जब कार्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, कार्ड अप्लाई किए, हम देखते हैं भाई 6 महीना तो हो गया, अप्लाई कर लेते हैं अब यहाँ पे, तो उनका कभी कभी इशू हो जाता है, लेकिन थोड़ा और यहाँ पे लेट होगा, मतलब 2-4 यहाँ पे महीना और यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तब आपका चांसेस थोड़ा बन जाता है। लेकिन इस चीज़ में मान लीजिए आपको ये ऑप्शन दिख गया, ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हैं नो इनकम प्रूफ में, वो ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद अगर आपका एक्सेप्ट नहीं होता है, आपके सिविल से फैच नहीं कर पा रहा है, एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तब आपका इंक्वायरी जाएगा कि नहीं, मेरे यहाँ पे इसमें मैं अपने भाई का अप्लाई कर रहा था तो उसमें तो इंक्वायरी नहीं गया, क्योंकि जिस यहाँ पे मैं ICICI का Amazon पे क्रेडिट कार्ड के बेस में अप्लाई कर रहा था तो मैंने चेक किया अभी 5 महीना ही हुआ है, ठीक है, तो मैंने उसे छोड़ दिया, तो कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं गया, तो आप एक बार चेक करना आपके यहाँ पे उसमें इंक्वायरी गया है कि नहीं गया है, सिविल रिपोर्ट में एक बार चेक करके बताना, ठीक है। तो देखिए ये प्रोसेस था, इससे आप आसानी से विदाउट इनकम प्रूफ ले सकते हैं, कोई भी अपलोड करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके क्रेडिट रिपोर्ट से ही सारा डेटा ले लिया जाएगा, बस आपका सब कुछ सही होना चाहिए, टाइम टू टाइम पेमेंट रहना चाहिए और आपको जो भी यहाँ पे लिमिट दिया जाएगा, जो भी ऑफर दिया जाएगा आपके क्रेडिट मतलब ऑफर के हिसाब से, जैसे कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इनकम प्रूफ सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, नो इनकम प्रूफ दिए, फिर आपका यहाँ पे कार्ड यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, कौन सा कार्ड आपको ऑफर दिया जाता है वो दे दिया जाएगा, वो सेलेक्ट करना, वो सेलेक्ट करने के बाद आपका वीडियो KYC का ऑप्शन देगा, वीडियो KYC करना, बस हो गया। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस मैंने बताया, देखिए आगे का प्रोसेस नहीं हो पाया क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा था 6 महीना कार्ड को हो गया लेकिन 5 ही महीना हुआ था, इसलिए आगे का प्रोसेस नहीं हो पाया।
तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे बताया, फिर भी अगर आपको लगता है कि पूरा प्रोसेस चाहिए तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और देख लेना। और कुछ भी डाउट होता है उससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं स्टूडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।